आज हम बना रहे हैं कलाकंद की बर्फी। कलाकंद की बर्फी बनाना वैसे तो लंबा प्रोसेस है, पर हम यहाँ मिल्क पाउडर से बना रहे हैं, जिससे कलाकंद की बर्फी फटाफट कम समय में बन जाती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। गैस पर कढ़ाई रखेंगे, इसमें एक बड़ा चम्मच घी डालेंगे और तुरंत ही एक कप दूध डालेंगे। एक कप मिल्क पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। 3-4 मिनट तक मीडियम आंच पर हिलाते रहेंगे, जिससे मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी सी केसर को 1 चम्मच दूध में डालकर भिगो दिया था। केसर का दूध डाल देते हैं, थोड़ी देर हिला लेते हैं। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डालेंगे। तीन चार मिनट तक मीडियम आंच पर हिलाते रहेंगे, जिससे मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। थोड़ी अब इसमें 3 बड़े चम्मच चीनी डालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। हमारा मिक्सचर दानेदार हो गया है। 1 छोटी चम्मच पिसी हुई इलायची का पाउडर डालेंगे। 2 मिनट अच्छी तरह से पका लेंगे। मिक्सचर को थोड़ा टाइट ही रखना है, इससे हमारी बर्फी 3-4 दिन तक खराब नहीं होगी। मिक्सचर कढ़ाई छोड़ने लग गया, गैस बंद कर देते हैं। एक कंटेनर में घी लगाएंगे, मिश्रण को कंटेनर में पलट देंगे। चारों तरफ से एक सार फैला देंगे। ऊपर से कटे हुए बादाम पिस्ता बुरक देंगे। केसर वाला दूध स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ी देर ठंडा करेंगे। और ठंडा होने के बाद इसके पीसेस काट लेंगे। ये बर्फी 4-5 दिन तक खराब नहीं होती है। हमारी कलाकंद की बर्फी तैयार है।